दोस्तों, अगर अपने Redmi Note 11 सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जैसे कि Redmi Note 11 S, Note 11 T, Note 11 Pro, Note 11 Pro Plus, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हैं, ये है मेरे SkinTech ब्रांड की हैमर प्रोटेक्टर किट। बॉक्स के अंदर आपको फ्रंट, बैक एंड कैमरा तीनों प्रोटेक्टर एक साथ मिल जाते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोटेक्टर किट है, आज की इस वीडियो में मैं फुल रिव्यू करके दिखाऊंगा और अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप अंत तक ये वीडियो आप देखते रहिए, आपको ज़रूर पता चल जाएगा इस प्रोटेक्टर का क्वालिटी कैसा है और कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, फ्रंट, बैक एंड कैमरा तीनों प्रोटेक्टर एक साथ मिल जाते हैं। बेस्ट बाय लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप के द्वारा मेरे से बाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बैक कार्बन फाइबर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ये जो कार्बन फाइबर है, बेसिकली ये व्हाइट कलर में दिख रहा है, बट ये व्हाइट नहीं है। ये अप्लाई करने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगा हुआ है। फुल ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, बट थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड हो जाएगा। तो आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, ये जो कार्बन फाइबर है, काफ़ी आसान होता है इंस्टॉल करना। या तो मैं इंस्ट्रूमेंट से अप्लाई कर रहा हूँ, आप कार्ड वगैरह यूज़ करके भी ये प्रोटेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस कलर के ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कार्बन फाइबर। दोस्तों, ये जो कार्बन फाइबर है, ये फ़ोन का कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा शो होगा, ठीक है। इस कलर के अंदर ये जो कार्बन फाइबर है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, और ये एच टू एच फिट भी हो जाता है, रिमूव भी नहीं होगा, ठीक है। बाद में आप नॉर्मली रिमूव करके ये क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल आप महंगा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्रैचेस से बचाने के लिए ज़रूर ये प्रोटेक्टर अप्लाई कीजिए। तो नेक्स्ट मैं आपको कैमरा प्रोटेक्टर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो कैमरा प्रोटेक्टर है, ये होल है इसके अंदर, क्योंकि फ़ोटो खींचने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो वीडियो देखते रहिए, इसको अप्लाई करना कितना आसान तरीका है। दोस्तों, फर्स्ट ब्लैक लेयर प्रोटेक्टर की रिमूव करके ओरिजिनल ग्लास के ऊपर अप्लाई करना है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो पीसेस कैमरा प्रोटेक्टर मिलेगा, क्योंकि बम थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, ये मेरे पास अनलिमिटेड स्टॉक है। मुझे पूछना मत कि भाई स्टॉक अवेलेबल है या नहीं, अनलिमिटेड स्टॉक है। मेरा एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, किसी भी टाइम व्हाट्सएप के द्वारा मेरे से बाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ऊपर का ब्लू लेयर रिमूव करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्टर लगा ही नहीं। दोस्तों, ये क्रैचेस से बचाने के लिए और डैमेज से बचाने के लिए ज़रूर कैमरा प्रोटेक्टर भी यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट एंड फाइनल मैं फ्रंट स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक पतला सा प्रोटेक्टर रहता है, वो मैंने रिमूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही पतला सा है। और नेक्स्ट आपको ध्यान से क्लीन करना है दोस्तों, तो एक भी डस्ट रहेगा तो आपको एयर बबल्स रह जाएगा, ध्यान से आपको क्लीन करना है। देखिए, मैं फाइन क्लीन कर चुका हूँ। और ये देखिए, ये जो 9 इंच हैमर ओरिजिनल प्रोटेक्टर है, ये फुल्ली फ्लेक्सिबल होता है। इसको भी दोस्तों फर्स्ट ब्लैक लेयर रिमूव करके आपको अलाइन करके फ़ोन के ऊपर अप्लाई करना है। देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है इसको अप्लाई करना। और ऊपर का ब्लू लेयर रिमूव करने के बाद ऐसा लगेगा कि प्रोटेक्टर लगा ही नहीं, आप देख सकते हैं। वीडियोस के अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन